डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम फैकल्टी टाइम में आपको वेलकम करता हूँ। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर साकिब रियाज साहब। डॉक्टर साकिब रियाज साहब जो हैं वो चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन है और डॉक्टर साहब जो है सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर साहब ने USA से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री कर रखी है और डॉक्टर साहब ने जर्मनी से सहाफ़त की ट्रेनिंग हासिल की है और फर्दर डॉक्टर साहब के क्रेडिट पर यह भी है कि इन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है और मुल्क का नाम रोशन किया है। डॉक्टर साहब, आपको मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक्चुअली जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स के लिए आपके डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन है और डिटेल है उन प्रोग्राम्स की और उन एक्टिविटीज़ की जो डिपार्टमेंट में हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आपका डिपार्टमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है सहाफत के अंदर। जी, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का पाकिस्तान के अंदर मीडिया की तालीम को आम करने में, फैलाने में, मुस्तहकम करने में बहुत अहम किरदार रहा है। इस डिपार्टमेंट ने 1987 में पाकिस्तान में पहली मरतबा बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम शुरू किया, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं था और वो अब तक जारी रहा। वो चार दहाइयाँ जारी रहा और उसमें लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया, मुस्तफ़ीद हुए और वो अमली सहाफ़त में गए और उन्होंने अपनी सहाफ़त की तालीम हासिल की ये मिडल लेवल पर। और इसके बाद फिर इस डिपार्टमेंट ने 97 में मास्टर्स प्रोग्राम शुरू हुआ, जो इसको शुरू में तो MA था, बाद में 2000 में उसको MSc प्रोग्राम का दर्जा दे दिया गया और फिर उसके बाद 2000 में MPhil प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर कुछ अर्सा बाद PhD प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये एक बड़ी रेंज है। फिर अभी रिसेंटली चंद साल पहले हमने BS प्रोग्राम शुरू किया अकॉर्डिंग टू न्यू HEC पॉलिसीज़। इसी तरह से हमने फिर टेलीविज़न प्रोडक्शन का एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि पिछले 5-6 सालों से बड़ी कामयाबी से चला। और मेरे ख्याल है ये प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी में भी ऑफर जी नहीं है, फेस टू फेस जो MSc टेलीविज़न प्रोडक्शन प्रोग्राम फेस टू फेस था। जहाँ रोज़ाना शाम की प्रैक्टिकली क्लासेस होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन चूँकि HSC की पॉलिसीज़ की वजह से MA MSc प्रोग्राम बंद हो गए, BA प्रोग्राम बंद हो गया, तो उसकी वजह से हमारी जो एक बड़ा जो टारगेट क्लाइंटेल था या वो उसमें थोड़ा सा मुतासर यकीनन हुआ है। तो लेकिन चूँकि अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नए रूल्स रेगुलेशन, नई पॉलिसियाँ, उसके मुताबिक हमने BS प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। हमारा MPhil प्रोग्राम वही, अगर MS में कन्वर्ट हो सकता है हो जाए या MPhil भी रहता है, तो बहुत कामयाबी से चल रहा है। और मैं ये बात बहुत खुशी से, बहुत फ़ख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लाखों नौजवानों को इस शोबे ने जर्नलिज़म की, मीडिया की तालीम दी है, तरबियत दी है और पाकिस्तान में मीडिया का कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं जहाँ पर कोई ना कोई ग्रेजुएट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मौजूद ना हो। बिल्कुल सही, ये हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान का कोई TV चैनल, कोई न्यूज़पेपर का ऑफिस, कोई अखबार का ऑफिस, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कोई न्यूज़ एजेंसी, कोई इस पब्लिक रिलेशन का इदारा ऐसा नहीं कि जहाँ पर हमारे फारिग तहसील तलबा तलबात, हमारे ग्रेजुएट मौजूद ना हो। और दूसरा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारे MPhil और PhD प्रोग्राम्स इतने कामयाब रहे हैं और अब भी हैं कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी जहाँ का किसी न किसी फैकल्टी मेंबर ने हमारे यहाँ से MPhil या PhD ना किया हो। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने फिर बुक्स लिखी और लिखवाई और फॉरेन ऑथर्स की भी पब्लिश करवाई। हमारी लिखी हुई किताबों को यहाँ से दूसरी यूनिवर्सिटियों वाले आती हैं, यहाँ से ले जाती हैं और फिर अपने फोटोकॉपियर्स के पास रखवा देती हैं और वहाँ से वो लोग करते हैं। ये मंज़र मैंने खुद देखा है और मुल्क की बड़ी बड़ी जामियात में देखा है
के हमारे के लोग वहाँ के किताबों को इस्तेमाल करते जी, यानी ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस यूनिवर्सिटी का कि जो अनमैचेबल है, जिसका और कोई इसका नहीं है, मुकाबला नहीं कर सकता कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जिक्र किया जिसमें एमफिल प्रोग्राम्स हैं, बीएस प्रोग्राम्स हैं और दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जो प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं। मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूं और बहुत फ़ख्र के साथ कहता हूं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हमारे पास मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर इतनी आला तालीम याफ्ता और अच्छे एक्सपीरियंस वाली और अच्छे एक्सपोजर वाली फैकल्टी शायद कम ही होगी। अच्छा, हमारे 6 फैकल्टी मेंबर्स हैं और अगरचे को बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट उस लिहाज से नहीं है, और सारे के सारे PhD हैं माशाल्लाह, और सबका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, बहुत अच्छी सबका कंट्रीब्यूशन है सबका। और मैंने अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक किया है और उस HEC के स्कॉलरशिप के ऊपर किया है। 2012-13 में मैं वहाँ पर रहा हूँ और मुझे मौका मिला है बहुत सी कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनार्स में शिरकत करने का और अमेरिका के अंदर ट्रैवल करने का बहुत मौका मिला, बहुत लर्निंग हुई। और इससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, फिर इसी यूनिवर्सिटी से MPhil और PhD किया, अमली साफत से वाबस्ता रहा, मेरे पास प्रैक्टिकल जर्नलिज्म का एक वसी एक्सपीरियंस है। और आज की जो मीडिया स्क्रीन है पाकिस्तान की, उसमें जो बड़े बड़े नाम आते हैं, मैंने उनके साथ काम किया, इकट्ठे काम किए, बहुत बड़ी बड़ी जो मशहूर जो इस वक्त बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिनमें आमिर मीर हैं, जावेद चौधरी हैं, नदीम मलक हैं और काफ़ी जो जुनेद सलीम साहब हैं और काफ़ी लोग जो इस वक्त प्रोमिनेंट हैं। मैंने 90s में हम इकट्ठे काम किया था, उस वक्त चैनल्स नहीं आए थे, बाद में मैं एकेडमिक साइड पर आ गया और वो लोग फिर TV चैनल्स आए तो उधर चले गए, लेकिन मुझे उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ने मुझे हमेशा मेरा बहुत साथ दिया और मुझे बहुत काम आया। वो चीज़ें थ्योरेटिकली जो हम किताबों में पढ़ाते हैं वो मैं प्रैक्टिकली कर चुका था, तो लिहाजा मुझे पढ़ाते हुए बहुत आसानी महसूस होती थी स्टूडेंट्स को, जाहिर है उनको भी फ़ायदा हुआ कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ उनको प्रैक्टिकल बातें भी उनको बोल सी। फिर उससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA मास कम्युनिकेशन किया 92 में, और वहाँ पर मैं रहा और वो भी एक बहुत बड़ा एक लर्निंग का एक्सपीरियंस था। और उस ज़माने में तो पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़े एजाज़ की बात क्यों समझा जाता था, चूँकि पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ 19 यूनिवर्सिटियाँ थी, तो वहाँ पर एडमिशन लेना मेरिट के ऊपर वो एक बड़े आनर की एजाज़ की बात थी। बिल्कुल सही है। और फिर वो बड़ी बड़ी शख्सियात जिनके हम सिर्फ नाम सुनते थे, कि वो फिर मुझे उनसे मिलने का, उनसे पढ़ने का, उनके सामने जानू तलम्बस तय करने का मौका मिला, जिसमें डॉक्टर मिस्किन अली एजाजी और डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख और डॉक्टर शफीक जालंधरी साहब और डॉक्टर मजाद मंसूरी साहब जैसे बड़े बड़े असातिज़ा के सामने बैठने का और उनसे पढ़ने का मौका मिला। डॉक्टर साहब, ये तो हमारे स्टूडेंट्स की खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पे इतने सालों से इनको वो एक्सपीरियंस जो आपने इतने बड़े बड़े नामों से सीखा और उनसे लर्न किया और उनके साथ काम किया और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप स्टूडेंट्स को जो है वो हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने विजन के साथ इस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में ये आ रहा था कि आम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी, फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में भी मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये डिपार्टमेंट जो लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, ये उनसे कैसे मुख्तलिफ है या इसमें क्या वेरिएशन है जो आप समझते हैं कि ये यूनिक डिपार्टमेंट है? जी, एक वक्त था जब हमारे बैचलर्स प्रोग्राम की जो एनरोलमेंट है एक सेमेस्टर की वो 40,000 को क्रॉस कर चुकी थी, 40,000 को क्रॉस कर चुकी थी, और फिर मास्टर्स प्रोग्राम हमारा जो है वो ओपन
एडमिशन कभी भी नहीं रहा, वो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम हमेशा रहा है और लगभग अराउंड जो है वो 60% जिसको हम फर्स्ट डिवीजन कहते हैं मेरिट हमारा उसके करीब करीब रहा है और ये मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है। और हमने हमारे पास इवन के 4,000-5,000 तक भी एप्लीकेशंस गई हैं और जिनमें से हमने 800 या 900 तक मैक्सिमम एडमिशन किया है पर एनम। तो ये एक इसकी पॉपुलरिटी का अंदाज़ा जहाँ से लगाया जा सकता है इस प्रोग्राम की। इसी तरह से हमारे एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में अगरचे बहुत लिमिटेड नंबर हमने रखना होता है स्टूडेंट्स का, एनरोल करना होता है, चूँकि एचईसी की तरफ से कुछ पाबंदी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी क्लासेस नहीं ले सकते, तो उस क्राइटेरिया को उस फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट टीचर रेशो का हम एडमिशंस करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में हम सैकड़ों के हिसाब से अभी भी जी पीएचडी के एमफिल के लिए 200-300-400 एप्लीकेंट्स जो आते हैं, जिनमें से अभी हमने पीएचडी की 16 लोगों की क्लास को एनरोल किया और एमफिल की 25 लोगों की क्लास एनरोल की है, जो कि हमारे हिसाब से वो बड़ी क्लासेस हैं। और ये जो सारा हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और आपने पूछा कि वो मुख्तलिफ कैसे दूसरी यूनिवर्सिटी से, दूसरी यूनिवर्सिटी जो एक किसी बड़े शहर में होती है उसका जो बेसिक टारगेट क्लाइंटेल होता है वो उस शहर के लोग या इर्द गिर्द नवा के लोग होते हैं। आप किसी, मैं नाम नहीं लेता किसी यूनिवर्सिटी का, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ का ये होता है तरीका। लेकिन हमारे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है, जो उसका टारगेट क्लाइंटेल एरिया है, वो पूरा पाकिस्तान है। यहाँ पर गिलगित, हंजा और सकरदू के पहाड़, फलकबोस पहाड़ों से लेकर कराची के समुंदर के पानियों तक जो है वो वायरा अरब के पानियों तक हमारा मैंडेट है। और ठट्ठा और बदीन से लेकर गवादर तक कोई पाकिस्तान का शहर ऐसा नहीं जहाँ पर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ना पहुँची हुई हो। और पूरे पाकिस्तान से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। और फिर कोविड का जो की सिचुएशन जो हमने पिछले 2 सालों में देखी, 2020 और 2021 का भी बड़ा हिस्सा, अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी मुसीबत आई पूरी दुनिया को, उसने मुतासर किया। हम भी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सकी। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की लीडरशिप को, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउल कयूम साहब की क़यादत की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हमने इस मुश्किल दौर को बड़ी अच्छे तरीके से, बड़े खुशसलूबी से तय किया और ऐसा इंतज़ाम कर लिया है कि अगर खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में भी कोई ऐसी पैनडेमिक हो या इवन कोई भी इमरजेंसी हालात हो, तो हम उसका सामना कर सकते हैं, उसको सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन आ गई LMS पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू किया और जो बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। अगरचे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन ओवरऑल उसकी जो आउटपुट है, आउटकम है, जो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही आला है। बहुत ही उसकी ऐसे उसकी फीचर्स हैं कि एक टीचर जो है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, जहाँ हम खुद भी क्लासें पढ़ाते हैं जी। तो हमें टीचर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और उस क्लास में एक स्टूडेंट कराची से है, तो एक से है, जी बिल्कुल जी, ये उसकी खूबसूरती है। एक टीचर कराची में बैठा हुआ, हम कराची के टीचर को हायर करते हैं, उसकी खिदमत लेते हैं, और स्टूडेंट जो है वो गिलगित सिकरदू का, क्वेटा का भी हो सकते हैं, पिंडी लाइव उनके साथ चैट भी हो रही है, उनके साथ टॉक भी हो रही है, बिल्कुल वीडियो URL भी शेयर हो रही है, PPTs भी शेयर हो रही है। तो ये और फिर जो कि दूर दराज के दूसरे शहरों से जो स्टूडेंट्स जहाँ इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में आकर वर्कशॉप्स करते थे, बोर्डिंग लॉजिंग रिहाइश के अखराज, किराए आने ट्रांसपोर्ट के अखराज, वो सारे उससे भी जी। तो इस अब और फिर अपनी वर्क प्लेस से छुट्टी लेना, मतलब ये भी एक बड़ा मसला होता था जी।
तो आप ये कर सकते हैं और बिल्कुल उसको कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि हमारे अपने जो आपके डिपार्टमेंट के एलुमनाई के बारे में बताएं कि हमारे स्टूडेंट्स जो, जैसे आपने बताया कि हज़ारों की तादाद में एडमिशन होते थे और इसकी क्लाइंटेज पूरा पाकिस्तान है, और तो हमारे स्टूडेंट जो पास आउट हो जाते हैं एलुमनाई, क्या वो आसानी से उनको जॉब्स मिल जाती हैं, या आप लोग कुछ गाइडलाइन आप दें ज़रा इस पे भी रोशनी डालें। अच्छा जी, हमारे स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद तो उन लोगों पर मुश्तमिल होती है जो पहले से प्रोफेशन के अंदर होते हैं, फील्ड के अंदर होते हैं, कोई ना कोई मुलाजमत कर रहे होते हैं, किसी न किसी पेशे या शोबे से वाबस्ता होते हैं, बिलमूम मीडिया के शोबे से ही वाबस्ता होते हैं। वो अपनी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास आते हैं और हम उनको प्लेटफार्म मुहैया करते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। इसलिए जॉबलेसनेस हमारे शोबे के ग्रेजुएट्स का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा। मैं इतना बड़ा तो दावा कोई नहीं करता कि ऐसा नहीं हो, जॉबलेसनेस तो है, ज़ाहिर है उसका पूरे माशरे में है, तो यकीनन हमारे ग्रेजुएट्स भी होंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद तो वो लोग थे जो कि पहले से बरसर रोज़गार थे लेकिन लोअर पोजीशनों के ऊपर थे। हमारी डिग्री लेने के बाद उनकी पोजीशंस बेहतर हुई, उनकी सैलरीज में इजाफा हुआ, उन्होंने अपनी जॉब स्विच ओवर किया और अच्छी पोजीशनों पर आए, तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मीडिया के से वाबस्ता लोगों के लिए। लेकिन मीडिया के अलावा भी हमारे जो दूसरे शोबा जात के अंदर जो ग्रेजुएट्स गए हैं उन्होंने भी बहुत एक्सेल किया। हमारे एक तालिब इल्म, हमारे एक ग्रेजुएट हुकूमत पाकिस्तान के फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे, सही, हमारे लिए वो बाद में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे, सही। तो और इस लेवल की बहुत सी जो है आला तरीन उहदों के ऊपर, फिर मुसल्ला अफवाज के जो नेवी, एयरफोर्स, पाक फौज, पाकिस्तान आर्मी, आईएसपीआर, इन इदारों के बड़े बड़े जो हैं बहुत अफसरान की एक बड़ी तादाद ने हमारे यहाँ से अपनी आला तालीम हासिल की है। हम और इनके इदारों के आईएसपीआर का शोबा जो है पाकिस्तान आर्मी का जो एक बहुत प्रोमिनेंट शोबा है और बहुत बड़ा उसका रोल है, उसके ऑफिसर की, उसकी अफसरान की एक बड़ी तादाद जो है वो हमारे यहाँ से उन्होंने आला तालीम हासिल की, मास कम्युनिकेशन की, हमारी स्टूडेंट रही। इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के बहुत टॉप की लीडरशिप में बहुत से उसके जो और अफसरान हैं उन्होंने हमारे यहाँ से तालीम हासिल की। बहुत से और बड़े अहम इदारों के जो है अफसरान ने वो यहाँ से तालीम हासिल की, और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, तो अलबत्ता वो नौजवान जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो यहाँ पर आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, जिन्होंने अभी तक प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आज की दुनिया तो अपॉर्चुनिटीज़ की दुनिया है, कि आज तो हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, कि वो वाला दौर नहीं है जो आज से 30-40 साल पहले का दौर था जब हमने स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा था, कि आप तो फासले से मट चुके हैं, आप तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप जहाँ अपने मोबाइल पर कोई एक जुमला लिखते हैं, एक सेकंड के अंदर उसको आप अपलोड करते, पूरी दुनिया में फैलता है और उसको उसके ऊपर लोगों का फीडबैक आना शुरू हो जाता है। आज की दुनिया तो मुख्तलिफ दुनिया है, आज की दुनिया बहुत से चल अगरचे इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी लाई है, ये जो न्यू मीडिया है, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये इन्होंने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, एक आलमी गांव बन गई है, और इतनी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि और ये कनेक्टिविटी जो है वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाई है और चैलेंजेस भी लाई है। अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही है। आज के नौजवान के लिए ये मुमकिन है कि वो पाकिस्तान के किसी शहर में बैठकर अमेरिका के किसी इदारे के साथ वर्क कर सकता है, यहाँ बैठे हुए, यहाँ डिजिटलाइजेशन के दौर में, जी यहाँ पर चीचा वतनी में, बूरेवाला में, या मर्दान नौशहरा में बैठे हुए
अपने घर से बैठे हुए वो बाहर की कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं और वो लोग कर भी रहे हैं। सही। फिर इसी तरह से जो है वो और जो बड़े बड़े मैं अपने मीडिया के जो लोग हैं उनके अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में बैठे हुए वो अमेरिका के अखबारों के लिए काम कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के और यूरोप के अखबारात के लिए उनके मीडिया जी उनके यहाँ से अपने एनालिसिस लिखें और अपने उनको भेजें। और ये बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन उसके साथ ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं, ग्लोबल चैलेंजेस भी हैं। अब उसमें चैलेंज फिर ये भी है कि इस्लामाबाद के अंदर एक ऑफिस के अंदर जो कोई अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो जिसके ऊपर हम समझते हैं कि पाकिस्तान के किसी नौजवान का हक बनता है तो वो हो सकता है कोई ब्राज़ील का अर्जेंटाइन का नौजवान जो है वो ऑनलाइन उससे रब्ता करके वो वहाँ से बैठकर उसको ज्वाइन कर ले। उसमें डॉक्टर साहब एक तो, बात मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को जब हम आपके तवस्त से कोई मैसेज मिल जाए इस तरह का भी कि जब डिजिटलाइजेशन का दौर है और चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट्स के को क्या करना चाहिए जो आम सहाफ़त से हट के हो, जैसे हम अमली सहाफ़त की बात कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो कौन कौन सी स्किल्स उनमें आनी चाहिए या किस तरफ उनका रुझान बढ़ना चाहिए कि वो इस चीज़ को कोप कर सकें। जी ये अगरचे ये बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से हाउ टू यूज़ लेटेस्ट मीडिया टेक्नोलॉजीज़ या न्यू डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ किस किस तरह से, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा। वो कौन कौन सी एडवांसमेंट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं कि जिनको वो अडॉप्ट करके जिनके ऊपर महारत हासिल करके वो आगे जा सकते हैं, वो एक्सेल कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट करना। मैंने अमेरिका में देखा है जिस यूनिवर्सिटी में था कि लोग 70-70 साल के प्रोफेसरों को भी मैंने देखा है वो नए नए जब सॉफ्टवेयर आते हैं ना वो उसको खुद सीखते हैं। सही है। मैंने एक दफ़ा बहुत देर से मैं वापस जा रहा था अपने डिपार्टमेंट को अपने ऑफिस को लॉक करके तो एक प्रोफेसर जिसकी एज कोई 75 ईयर्स के अराउंड होगी और मैंने पूछा तो वो अपने ऑफिस में बैठा था बाहर से शीशा लगा था तो मैं अंदर चला गया। मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, उसने कहा कि देयर इज़ अ न्यू सॉफ्टवेयर एंड आई एम लर्निंग दिस सॉफ्टवेयर एंड देन आई विल बी एबल टू टीच the technicalities of this software to my students. तो यानी उस एज में भी वो कितने एक्टिव रहती हैं और किस तरह से वो अपनी जो नए नए चैलेंजेस नए नए ऐप्स आ रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनके साथ बिल्कुल उनसे आगाह रहना, उनके ऊपर कमांड हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और फिर आज की दुनिया तो मुकाबले मुसाबकत की दुनिया है, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप जितना आगे बढ़ेंगे जितना आगे जाएंगे कोई आपको घर बैठकर नहीं देने के लिए आएगा, आपने खुद अपना हिस्सा लेना। तो डॉक्टर साहब आपका जो विजन है जो फोकस है वो अमली सहाफत पे भी है जी। तो हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वो प्रैक्टिकल जो नेचर है वो कैसे कवर करें, क्योंकि हमारा फासलाती निज़ाम तालीम है और स्पेशली कोविड में हम ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे चले गए, तो ये जो जो प्रैक्टिकल नेचर का था पोर्शन उसको आप कैसे डिपार्टमेंट हमने जी एक तो हमने अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप को लाजमी रखा अच्छा, था सही। वो उनके लिए ज़रूरी था कि वो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करें किसी मीडिया के अदारे में, उन्हें उस वक्त तक डिग्री नहीं मिलती जब तक वो अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते। और वो जो ये इंटर्नशिप सर एक सेमेस्टर की होगी नहीं वो फाइनल सेमेस्टर में लोग करते हैं या इवन के फाइनल के भी बाद सही आप कर सकते 2 महीने की इंटर्नशिप 2 माह की इंटर्नशिप और उसमें उसको प्रैक्टिकली देखने का सीखने का बड़ा मौका मिलता है। सही है। तो और इसके अलावा भी जहाँ कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं मीडिया से रिलेटेड हमने अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जो भी उनके से रिलेटेड कोई आती है अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको शेयर करते हैं। तो इसके अलावा हमने MSc टेलीविजन प्रोडक्शन एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि टोटल फेस टू फेस प्रोग्राम था और अभी तक बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। सही माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अब डिपार्टमेंट किस डायरेक्शन में आगे विजन को लेके जा रहा है, लाइक आने वाले दिनों में आने वाले सालों में
क्या कोई नई स्ट्रेटजीज, क्या कोई नए प्रोग्राम्स आप लोग सोच रहे हैं कि ये या प्लान कर रहे हैं फर्दर जो मैम जी? वी आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर, मुस्तकबिल के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, हमें उसका बहुत अच्छी तरह से इदराक है, अंदाज़ा है, और हम उनका मुकाबला करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम तनकोशा हैं। हम अपने बैचलर्स के जो अब इस वक्त चूँकि पुराना बीए प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, एमएएमएससी प्रोग्राम ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा बड़ा फोकस बीएस प्रोग्राम पर होगा। अगरचे हमने बीएस प्रोग्राम ऑफर कर दिया है और चल रहा है, लेकिन हम उसको एक बड़े पैमाने पर उसके अंदर तब्दीलियां ला रहे हैं और उसको बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम के तौर पर पेश करेंगे, जो इस वक्त इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं और बैन अक्वामी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको इस्तेमाल करते हुए, इस्तफादा करते हुए, उनके पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हम वो पढ़ाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, और उसके अंदर प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी रखेंगे। और HEC ने कुछ तो जनरल सब्जेक्ट्स भी रख दिए हैं जिसमें कंप्यूटर स्किल, इंग्लिश ग्रामर और बेसिक मैथमेटिक्स, ये तो हर स्टूडेंट को उसमें पढ़ना पड़ेंगे, जो कि आपकी जनरल एबिलिटी को एक इम्प्रूव करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ताकि अभी इस वक्त तक की जो प्लानिंग चल रही है वो यही है कि पहले शुरू के जो 3 सेमेस्टर हैं वो जनरल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे बीएस में, और आगे फिर अपने अपने सब्जेक्ट के प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। तो हमें इतने चैलेंजेस का इल्म है बहुत अच्छी तरह से। बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम पुराने जो हैं वो ख़त्म होने का भी एक बड़ा चैलेंज है, उसको भी हम फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और आई होप के वी विल बी एबल टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड दिस नेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज साहब। आखिर में मैं स्टूडेंट्स के लिए ये कहूँगा कि मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की डिटेल आप तक डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बताई है, और हम आपको वेलकम करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि PhD, MPhil, मास्टर्स और बैचलर लेवल्स पे हैं, उन पे आप आएँ, एडमिशन्स लें, और डेफिनेटली आप अमली जो सहाफत है वो भी यहाँ पर सीखेंगे और डॉक्टर साहब के वसी तजर्बे से आप फ़ायदा भी उठाएँगे। आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि तुलबा की रहनमाई के लिए जो है वो टेलीफ़ोन नंबर मैं रिपीट कर दूं, आपकी स्क्रीन के नीचे भी आ रहा होगा, 051-905-7823। 23 की जगह पे आप 24 को भी लिख के जो है वो कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछें, और इसके अलावा जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके अंदर आप वहाँ विज़िट करें और डिपार्टमेंट विज़िट करें, वहाँ पर चेयरमैन साहब का जो है वो ईमेल एड्रेस गिवन है, जो है वो वहाँ पे टेलीफोन नंबर गिवन है, आप ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। मैं इस दुआ के साथ आप इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें तौफीक दे कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेम्बर्स, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद।